तो क्लास 10th में आजकल हम लोग पार्ट 6 पढ़ रहे हैं और मैं सुनील सर आपका बहुत स्वागत करता हूँ। आइए पाठ्यगत प्रश्न के पास हम लोग चलते हैं। थ्योरी हम लोगों ने पढ़ लिया था और पृष्ठ संख्या आपका 105 से शुरू करते हैं और वीडियो नंबर आपका ये एक है। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। याद करो, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। ताप उत्तर में कहेंगे, हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में समस्त कोशिकाएं वातावरण से सीधे संपर्क में नहीं होते हैं, अतः सरल विसरण समस्त कोशिकाओं की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है। तो बहुत ही शानदार सा प्रश्न था। प्रश्न नंबर 2 चलते हैं। कहता है कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। तो उत्तर में आप कह सकते हैं कि सजीवों को अपनी संरचना की मरम्मत एवं रख रखाव करना आवश्यक है। ये समस्त संरचनाएं अणुओं से मिलकर बनी है, इसलिए हमें हर समय अणुओं को गतिशील रखने की क्षमता होनी चाहिए। अतः अदृश्य अणुगति जीव को जीवित रहने होने का प्रमाण है। तो आपका उत्तर नंबर 2 आपका है। आइए अब हम लोग पृष्ठ संख्या 111 के प्रश्न उत्तर के बारे में देखते हैं। तो अब पाठ्यगत प्रश्न पृष्ठ संख्या 111 से देखते हैं। पहला प्रश्न है, स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। देख रहे हैं, तो इसमें भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। कहता है कि स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। आप उत्तर में कह सकते हैं कि स्वयं संपोषी पोषण तथा विषम शोषी पोषण में निम्नलिखित अंतर है। तो देखिए अंतर अब हम लोग दिखाएंगे कि दोनों में क्या अंतर है, यानी जो स्वयं पोषी है उसमें और जो विषम पोषी है उसमें क्या अंतर है। तो कुछ अंतर अगर दिखाना होगा तो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए स्वयं पोषी और विषम पोषी में क्या अंतर है। तो स्वयं पोषण में आप कह सकते हैं, पहला कि यह पोषण हरे पौधों में पाया जाता है जो भोजन के निर्माण के लिए अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, इसलिए हरे पौधों को स्वयं पोषी जीव कहते हैं। समझ गए ना। पहला आपने देखा कि जो हरे पौधे होते हैं वही अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, क्योंकि वह अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और विषम पोषी में आप पहला इसमें बता सकते हैं कि जो इसमें जंतुओं को अपने कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता के लिए पौधे तथा अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है, उदाहरण शाकाहारी, मांसाहारी और मृत जीव। यानी जो विषम पोषी होते हैं ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, ये भोजन बनाने के लिए इनको दूसरे जीवों पर आश्रित रहना पड़ता है। अच्छा, इसमें देखिए सेकेंड नंबर आप कह सकते हैं स्वयं पोषी में दूसरा नंबर कि इस पोषण में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश के द्वारा कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आपको पढ़ाया भी गया था प्रकाश संश्लेषण, वही बात है। इस पोषण में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश द्वारा कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और आप विषम पोषी में कह सकते हैं कि विषम पोषी पोषण में यह प्रक्रिया नहीं होती, यानी जो विषम पोषी पोषण होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं पाते। अब इसमें तीसरा कह सकते हैं कि यह पोषण हरे पौधे तथा साइनोबैक्टीरिया जैसे नीले हरित शैवाल में होता है, यानी यह पोषण हरे पौधे तथा साइनोबैक्टीरिया में होता है। विषम पोषी पोषण में कह सकते हैं कि यह पोषण प्राय सभी जंतुओं, मानव परजीवी, कवक इत्यादि में होता है। यह पोषण प्राय सभी जंतुओं, मानव परजीव इत्यादि में होते हैं। तो ये बातें थी आपकी पोषण की। एक बात क्लियर हो गई है कि जो स्वयं पोषी पोषण होता है
इसमें जो पेड़ पौधे होते हैं वो आते हैं, विषम जो पोषी होता है उसमें मनुष्य आता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर दो के पास हम लोग चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर दो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। समझ रहे हैं बात को ना? कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे जो सामग्री होता है पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं कार्बन कौन कौन से पहले कच्चे पदार्थ होते हैं इसको तो जानना पड़ेगा ना। तो एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड, और आप कह सकते हैं कि पादप वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों द्वारा प्राप्त करते हैं, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें सबसे पहले जो कच्चा पदार्थ होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और पादप वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों द्वारा प्राप्त करते हैं। दूसरा है जल, कह सकते हैं पादप जड़ों द्वारा जल का अवशोषण मृदा में से करते हैं तथा पत्तियों तक इसका परिवहन करते हैं। तो जो पादप होता है जड़ों द्वारा जल का अवशोषण मृदा में से करते हैं तथा पत्तियों तक इसका परिवहन करते हैं। क्लोरोफिल, हरे पत्तों में क्लोरोप्लास्ट होता है, ये क्लोरोफिल भी एक कच्चा पदार्थ है, और आप कह सकते हैं कि हरे पत्तों में क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये भी एक प्रश्न था, आप इसको भी बता दिए। आइए अच्छा दूसरा प्रश्न आप देखते हैं यहाँ पर कि तीसरा प्रश्न है किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, यानी कोई जीव होता है तो कौन कौन से जो कच्चे सामग्री होता है उसका उपयोग करता है। तो पहला तो हो जाएगा भोजन, मान जितने भी जीव होते हैं तो भोजन तो करते ही हैं। तो पहला ये कहा कि भोजन ऊर्जा और पदार्थों के स्रोत के रूप में ऊर्जा का भोजन का लोग उपयोग करते हैं। दूसरा ऑक्सीजन, भोजन पदार्थों का विखंडन करने के लिए और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है। अगर हम भोजन कर लें सांस ना लें शरीर के अंदर ऑक्सीजन ना जाए तो भोजन का विखंडन नहीं होगा, जब भोजन का विखंडन नहीं होगा तो हमें ऊर्जा भी नहीं प्राप्त होगी। तीसरा है जल, आप कह सकते हैं भोजन के सही पाचन के लिए तथा शरीर के अंदर अन्य जैविक प्रक्रियाओं के लिए जल बहुत ज़रूरी होता है, याद हुआ ना? यानी भोजन के सही पाचन के लिए तथा दूसरे अन्य सभी प्रक्रियाओं के लिए जल की बहुत आवश्यकता होती है। और उसके बाद चार नंबर है, कहता है कि जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। तो आपका जो आंसर आता है वह लिखते हैं हम लोग कि अनेक जैव प्रक्रम है जो जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, जैसे पोषण। याद करो, अगर कोई भी आपसे पूछे कि जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक करेंगे तो आप कह सकते हैं अनेक जैव प्रक्रम है जो जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, जैसे पोषण, श्वसन, पहला पोषण कह सकते हैं, दूसरा श्वसन कह सकते हैं, तीसरा उत्सर्जन कह सकते हैं, चौथा वहन कह सकते हैं। ये आपके अनुरक्षण के लिए बहुत ज़रूरी है। और आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास चार है, चार नंबर जो क्वेश्चन है कहता है कि पाचक एंजाइम की क्या कार्य है। देख रहे हैं ना, पाचक एंजाइम का क्या कार्य है। तो कह सकते हैं कि पाचक एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसीय अम्लों और ग्लिसराल में बदल देता है। याद हुआ, कोई भी आपसे पूछता है कि जो पाचक एंजाइम होता है क्या काम करता है, तो आप कह सकते हैं वह एंजाइम जो शरीर के भोजन को पचाने के लिए आवश्यक होता है उसको पाचक एंजाइम कहते हैं। तो पाचक एंजाइम की कार्य क्या होती है, तो पहले आप कह सकते हैं जो पाचक एंजाइम होता है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को वसीय अम्लों और ग्लिसराल में क्या करता है, बदल देता है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर पाँच भी देख रहे हैं कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसी अभिकल्पित किया जाता है। समझो बात को, कहता है कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकलित किया गया है। तो आप कह सकते हैं पचे हुए भोजन का अवशोषण क्षुद्रांत में होता है। देखिए यहाँ पर आप इस क्षुद्रांत का चित्र भी देख रहे हैं और बता भी सकते हैं कि पचे हुए भोजन का कैसे क्षुद्रांत में होता है। नीचे ये तब दो आपके एक साथ जुड़े होते हैं, नीचे धमनी होता है, फिर उसके बाद से सीरा, फिर उसके बाद से लिम्फ वाहिका, और यहाँ पर जो देख रहे हैं यहाँ से जो आपका गया है
वह लीवर खून की ग्रंथि है, हिपथिलियस कोशिका है, लिम्फ कोशिका है, वसा अम्ल तथा ग्लिसराल है, सबसे ऊपर आपका जो है दीर्घ रोम है। ये इसके चित्र है, देख सकते हैं क्षुद्रांत दीर्घ रोम का ये चित्र आपको बताएगा। अब इसकी तनिक कार्य प्रणाली को हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो इस तरीके से चीज को हम लोग बता सकते हैं। तो आपके सामने एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से जीवों में कहता है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं। देखा है ना, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं। तो आप इसमें कह सकते हो उत्तर में, ग्लूकोज के ऑक्सीजन से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न निम्नलिखित क्या हैं प्रकार हैं। देखिए, ग्लूकोज है जिसमें 6 कार्बन के अणु होते हैं। याद करो ग्लूकोज का सूत्र होता है ना, C6H12O6। और ये कोशिका द्रव्य है में जाते हैं, तो सबसे पहले पायरुवेट यानी 5 3 अणु 3Y में अणु प्लस ऊर्जा, और बाद से यहाँ पर फिर ऑक्सीजन का अभाव में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में ईस्ट के द्वारा एथेनॉल, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऊर्जा यानी 2 कार्बन इसमें रहते हैं ऑक्सीजन का अभाव में, और फिर लैक्टिक अम्ल, फिर ऊर्जा, फिर 3 कार्बन का अम्ल। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में और माइटोकांड्रिया में जब ऑक्सीजन उपस्थित रहता है तो ये जो अणु होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो इस तरीके से इसको हम लोग बता सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।